नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स बिला। आज बनाऊंगी एक ऑर्गेनाइज़र, स्वान ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं यूज़ करूंगी मैक्रम थ्रेड और जूट रोप का। तो ये मैंने वाइट वाली ले ली है और ये है जूट रोप। और मैंने एक थिक पेपर ले ली है, उसके ऊपर मैंने ये कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर लिए हैं, कुछ डिज़ाइंस इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये है फाइल पेपर की कवर। तो अब इस डिज़ाइन को इसके अंदर डाल लेना है। अब मैं लाइंस के ऊपर फेविकॉल को इस तरह से लगा लूँगी और जूट रोप को उसके ऊपर ऊपर इस तरह से लगा लेना, फेविकॉल के ऊपर से इस तरह से लगा लेना डिज़ाइन के ऊपर। तो इस तरह से जूट रोप को मैं थोड़े थोड़े फेविकॉल लगाऊंगी लाइंस के ऊपर और जूट रोप को लगा के मेजरमेंट करके उसके बाद काट लूंगी। अब मैक्रम थ्रेड को मैं बीच बीच में लगाते जाऊंगी। तो मैंने जैसे डिज़ाइन बनाया है उसी के अनुसार मैंने थ्रेड को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से मैंने गोल गोल कर लिया है, थ्रेड को मेजरमेंट करके काट लेना है। इस तरह डिज़ाइन के ऊपर फेविकॉल लगा के इस तरह से काट लेना है। थोड़ा धैर्य का काम जरूर है, परंतु जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही सुंदर लगेगी। अब ये मैंने विंग्स बनाया है तो उस पर भी मैंने फेविकॉल लगा लिया है और जूट रोप को फोल्ड करते हुए इस तरह से लगाते जाना है। आउटलाइन मैंने जूट रोप से दिया है, उसके बाद मैं अंदर में मैक्रम थ्रेड को इस तरह से लगा रही हूँ और कुछ डिज़ाइंस भी मैं बना लूँगी। तो मैंने मेजरमेंट कर ले रही हूँ पहले, उसके बाद मैं मैक्रम थ्रेड को कट करके उसके बाद लगा रही हूँ। तो लाइंस के ऊपर फेविकॉल लगाते जाना है और अपने अनुसार डिज़ाइन बनाकर उस पर लगा लेना है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, न तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह से लाइंस के ऊपर फेविकॉल लगाते जाना है और थ्रेड को इस तरह से फोल्ड कर करके वहाँ डिज़ाइन के ऊपर में लगा लेना है। तो ये मैं एक तरफ का मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो अब मैं दूसरे डिज़ाइन को मैंने पार्ट्स पार्ट्स में बना लिया है डिज़ाइन। तो अब मैं इसके बैक साइड में भी ये डिज़ाइन को रख के अब उसके ऊपर फेविकॉल लगा लेना है। लाइंस के ऊपर धीरे धीरे फेविकॉल्स लगा के इस तरह जूट रोप को मेजर करके काट लेना है। ये मैंने मेजर करके तीनों को सेम मेजर करके कट कर ले रही हूँ। अब मैंने फेविकॉल लगा लिया है, वहां पर मैंने रोप को फोल्ड करके लगा लूंगी इस तरह से। तो मैं फोल्ड के जगह में इस तरह से थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ता है, तब ये अच्छी तरह से फेविकॉल से स्टिक हो जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब मैं इसके अंदर व्हाइट रोप को लगा लूंगी। तो इसी तरह से लाइंस के ऊपर मैं फेविकॉल लगाकर डिजाइन को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही क्राफ्ट में नए नए आइडियाज लाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये बातों बातों में मेरे ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब बीच के डिज़ाइन के लिए मैं मैक्रम रोप को छोटे छोटे काट ली।
अब पूरे में फेविकॉल लगा लेना है और इस छोटे छोटे ये मैक्रम रोप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक एक करके इस तरह से लगा लेना है पास पास में। ये थोड़ी मेहनत का काम जरूर है, तो मैं क्राफ्ट में मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर ही लें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, इट्स माय रिक्वेस्ट। और ये है एक केक की बेस, तो इसे मैं बेस में यूज करूंगी। तो इसके साइज की मैंने एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और एक कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा इस तरह रखा है। तो इसे मैं दो को पहले फेविकॉल से स्टिक कर लूंगी, साइड में मैंने मास्किंग टेप लगा लिया है और इसके ऊपर मैं ये केक की बेस को भी लगा लूंगी। तो इस केक के बेस के पीछे मैंने फेविकॉल लगा लिया है, अब उसे भी इस तरह से चिपका लेना है। तो ये एक फाइल की कवर है, तो इसमें मैंने डिजाइन को प्लेस करके मार्क कर लिया है। इस तरह से मुझे मार्क कर लेना है डिजाइन की हाइट की। तो अब इसके डिजाइन के हाइट के अनुसार इसे अब कट कर लेना है। अब मैं हॉट ग्लू एजेस पे हॉट ग्लू लगा लूंगी और इसे मैं ये जो मैंने बेस बनाया उस पे इस तरह से स्टिक कर लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगा लेना है और बेस को प्रेस करते हुए लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है और नीचे मैंने मास्किंग टेप से भी सिक्योर कर लिया है। अब ये इसे मैं उल्टा कर ले रही हूँ और यह मैं एक प्लास्टिक को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। थोड़ा हॉट ग्लू लगाकर इस तरह से मैं गोल से इसे फोल्ड कर लेना है लंबाई में। अब इसे मैं ये जो लंबे वाले मैंने बनाया उस पे यहाँ मैं मुझे स्टिक कर लेना है। ये नेक का पोर्शन है, तो ये हॉट ग्लू लगा लेना है और ये प्लास्टिक को इस तरह से यहाँ लगा लेना है। और एक छोटी सी प्लास्टिक के टुकड़े को भी मैंने फोल्ड कर लिया है, उसे मैं यहाँ लगा लूँगी ऊपर की तरफ। तो ये मैंने पूरे में लगा लिया है। अब प्लास्टिक को जो मैंने लगाया उसे कवर कर लेना है। तो मैं दोनों तरफ से ये रोप को फोल्ड कर लूँगी, हॉट ग्लू लगाना है और इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और ऊपर की तरफ भी मैं थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगा लूँगी इस तरह, और दोनों को पकड़ के प्रेस करते हुए इस तरह से मुझे स्टिक कर लेना है। अब बेस में मैंने मास्किंग टेप जो लगाया था उसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा लिया है। अब उसके ऊपर चारों तरफ मुझे ये जूट रोप को लगा लेना है। तो इस तरह फेविकॉल लगाते हुए मैं पूरे में जूट रोप को लगा लूंगी। अब ये डिजाइन्स को मैं थोड़ा सा कलरफुल लुक दूंगी। तो ये सारे डिजाइन्स मैंने रख लिए हैं, तैयार हैं। तो अब मैंने कुछ कलरफुल थ्रेड्स ले लिए हैं। तो अब ये जहाँ मैं कलर थ्रेड लगाऊंगी वहाँ थोड़े से फेविकॉल लगा लेना है बीच बीच में, और कलरफुल थ्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी और इसे छोटे छोटे इस तरह से मोड़ कर वहाँ लगा लेना है। इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। बस थोड़ा कलरफुल लगे इसीलिए कलरफुल थ्रेड्स को मैं लगा रही हूँ। तो ये अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सभी में अलग अलग कलर्स के थोड़े इसे कलरफुल बना लूंगी। तो ये मैंने लगा लिया है। ये पूरे डिजाइन्स पे मैं थोड़ा इस तरह फेविकॉल लगाकर कलरफुल लगा लिया। और ये है नेक का पोर्शन, तो मैं एक वायर को नीचे से ये पूरे ऊपर तक पास कर ली हूँ और ऊपर में मैं थोड़े से इसे फोल्ड कर लिए हूँ। अब ये मुझे बेस में लगा लेना है, जहाँ लगाना है वहाँ मैं इस वायर को मैं थोड़ा फोल्ड कर ले रही हूँ इस तरह से, और नीचे यहाँ मैं मोल्डेड क्ले लगा लिया है।
और नीचे मैं थोड़ा सा स्टैंड लगा ली हूँ, जो फाइल के साइड्स में जो रहती है उसे ही मैंने कट करके लगा लिया है। मैंने वो हॉट ग्लू से स्टिक किया है, अब लगा लूंगी सारे डिजाइन्स को। तो इसके लिए मैंने फेविकॉल लगा लेना है पीछे, अब डिजाइन्स को इस तरह से लगा लेना है। तो डिजाइन्स के पीछे फेविकॉल लगा लेना है अच्छे से, और डिजाइन्स को लगाते जाना है। तो ये मैं सारी चीजें बना ले रही हूँ, छोटी छोटी डिटेलिंग्स। ये आंखों में मैंने भी ब्लैक बीड्स थी मेरे पास, तो वो मैंने लिया है हाफ बीड्स, उसके चारों ओर मैंने थ्रेड लगा लिया है। अब जहाँ जहाँ थोड़ा गैप्स थी वहाँ मैंने 3D आउटलाइनर का यूज किया है। ये तो कलरफुल थ्रेड से ही काफी कलरफुल लग रही है और काफी सुंदर भी लग रही है। आप ऐसे ही रख सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा कलरफुल स्टोन बीड्स, ग्लिटर, छोटे छोटे मिरर सब लगाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर्ल बीड्स लगा लिया है कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ जगह पर मैंने मिरर्स लगाया है। और जहाँ थोड़े थोड़े गैप्स हैं वहाँ भी मैंने मिरर्स और बीड्स इस तरह से लगा के उसे डेकोरेट कर लूँगी, छोटी छोटी चीज़ें। तो इस तरह से लगा लेना है। ये स्टोन्स, रेड बीड के ऊपर रेड स्टोन लगी हुई है, उसे भी लगा लूँगी। जितनी सजावट की चीज़ें हैं मैंने सब लगा लिया है। ये छोटे छोटे ग्लिटर्स, गोल्डन ग्लिटर्स, अब कुछ कुछ जगह मैं राउंड शेप की मिरर भी लगा लूँगी। यहाँ मैंने छोटे छोटे पर्ल बीड्स लगा लिए हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने छोटे छोटे मिरर्स लगा लिए हैं। ये काफी कलरफुल लग रही है, काम बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिए, और सभी फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इस तरह मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो ये रही इसकी फाइनल लुक, ये देखिए। तो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजर है, आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस पर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रही इसकी बैक पोर्शन। आप इस ऑर्गेनाइजर का मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं, इसे फ्लावर लग भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पिस्ता से लोटस बनाया था, तो मैंने फिलहाल वही रख के इसे डेकोरेट किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।